चैप्टर 3 से क्या है सलार का डायरेक्ट कनेक्शन, क्या KGF का एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बनाने की तैयारी में है मेकर्स। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, KGF का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, हिस्ट्री टेल्स अस पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस बट हिस्ट्री टेल्स अस रॉन्ग बिकॉज पावरफुल पीपल मेक्स प्लेस पावरफुल। और ये बात कई हद तक बहुत सही भी है। आपको बता दें, जब KGF रिलीज हुई थी तब किसी को इसके बारे में पता तक नहीं था ये कौन सी फिल्म है, कन्नड़ इंडस्ट्री से क्या सामने आ रहा है। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई, लोगों ने इसे देखा तो लोगों ने खुद इसका प्रमोशन करना शुरू कर दिया। उसके बाद KGF चैप्टर 2 आई जिसने तहलका ही मचा दिया और अब बारी है KGF चैप्टर 3 की। आपको बता दें, जब KGF रिलीज हुई थी तो इसकी डायरेक्ट टक्कर हुई थी शाहरुख खान से और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के बादशाह का सिंहासन हिला दिया था KGF के स्टार यश ने। जी हां दोस्तों, अब KGF चैप्टर 3 की बारी है और KGF चैप्टर 2 में हमें ऑलरेडी हिंट मिल चुका है KGF चैप्टर 3 का। ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है। प्रशांत नील ने पूरी प्लानिंग कर दी है KGF चैप्टर 3 को सुपर डुपर हिट बनाने की। आपको बता दें, KGF की छोटी सी दुनिया अब बहुत बड़े यूनिवर्स में बदलने वाली है, जिस तरह से हॉलीवुड का सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसमें कि 5 से 6 सुपरहीरो एक ही फिल्म में नजर आते हैं, वैसा ही कुछ होने वाला है KGF चैप्टर 3 में। इसके प्रोड्यूसर ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो प्रशांत नील के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़े यूनिवर्स की प्लानिंग कर रहे हैं। हमें रॉकी, अधीरा, गरुड़ा, रमिका सेन जैसे पावरफुल कैरेक्टर दिखे और अब आगे आने वाले टाइम में और भी कुछ जुड़ने वाला है फिल्म से। आपको बता दें, यहीं से एक हिंट सामने आता है और वो है प्रभास की सलार। जी हां दोस्तों, जिस तरह से प्रभास का लुक और पोस्टर सामने आया है उसे देखकर लगता है कि KGF से ये बिल्कुल मिलता जुलता है। और कई फैंस थ्योरी ये भी बता रही हैं कि जिस तरह से हमने KGF में स्टार्टिंग में एक लड़का देखा था जो कि रॉकी को अपना खुदा मानता है और संजू बाबा से लड़ने चला जाता है, वही प्रभास है। जी हां दोस्तों, वही दोस्तों KGF चैप्टर 2 में उस लड़की की माँ बनी है ईश्वरी रॉय, जो कि प्रभास की सलार में भी उनकी माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों फिल्में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वहीं सलार को भी प्रशांत नील ही डायरेक्ट करने वाले हैं। प्रभास इस यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है। सलार की बात करें तो इसकी 60% शूटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन प्रभास आजकल आदि पुरुष की शूटिंग में बिजी है जिस वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहे और इस वजह से प्रभास और प्रशांत नील के बीच काफी अनबन की भी खबरें हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म 2023 तक रिलीज हो जाएगी और सलार में कहीं ना कहीं KGF चैप्टर 3 का हिंट भी जरूर मिल जाएगा। आपको बता दें, प्रशांत नील की ये पहली फिल्म है जिसमें कि वो कन्नड़ इंडस्ट्री से छोड़कर तेलुगु सुपरस्टार्स के साथ काम करने की तैयारी में है। सलार में प्रभास का भी रफ एंड टफ लुक नजर आ रहा है जो कि KGF से मिलता जुलता है। वही दोस्तों, बहुत ही हैरानी की बात थी कि KGF चैप्टर 1 का बजट सिर्फ 100 करोड़ था और इसने तहलका मचा दिया। आजकल बॉलीवुड में 2 से 3 गानों में ही जहां 100 करोड़ का खर्चा हो जाता है, वहीं प्रशांत नील ने 100 करोड़ में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बना दी। सलार की बात करें तो इसका बजट 150 करोड़ होने वाला है जिसमें कि स्किल्स को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, सलार जो है वो प्रभास का कमबैक भी बताया जा रहा है क्योंकि बाहुबली के बाद जितनी भी उन्होंने फिल्म की बड़े बजट की, फिर चाहे वो साहो हो या राधे श्याम, दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, इसीलिए प्रभास सलार से एक बहुत बड़ी वापसी करेंगे। आपको बता दें, प्रशांत नील जूनियर NTR के साथ भी एक फिल्म करने वाले हैं जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने हाल ही में की। इसका कोई टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि ये जूनियर NTR की 31st फिल्म है इसीलिए इसे NTR
31 कहा जा रहा है। वहीं दोस्तों प्रशांत नील का ये फिल्म ड्रीम प्रोजेक्ट बताई जा रही है और ये प्रशांत नील का ही ड्रीम था कि वो NTR के साथ काम करे, क्योंकि प्रशांत नील को उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है और जिस तरह से जूनियर NTR एनर्जी और पैशन के साथ अपना काम करते हैं, स्क्रीन पर उनका इंटेंस लुक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इस फिल्म का आइडिया 20 साल पहले प्रशांत नील को आया था, लेकिन उस वक्त उनके पास इतने स्केल नहीं थे और बड़े स्केल में वो इस फिल्म को नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज प्रशांत नील एक ऐसे डायरेक्टर बन गए हैं जिनमें बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड हर कोई पैसा लगाने से नहीं है और ये पूरा कमाल है KGF का। अब दोस्तों KGF चैप्टर 3 में ऋतिक रोशन की भी एंट्री होने वाली है, जिससे कि तय है कि ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्स होने वाला है, यानी कि एक ही फिल्म में प्रशांत नील की इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए बड़े बड़े हीरो एक साथ आएंगे, तो फिल्म तो सुपर डुपर हिट होनी ही है। आपको कितना वेट है KGF चैप्टर 3 का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़।